यानी कि यहां पर हम हमारे एफ ऑफ एक्स को अज्यूम कर लेंगे के टाइम स्टैंड इन ऑफ एक्स तो आपका काम हो गया हेलो गाइस एंड वेलकम बैक आई एम फातिमा मैम एंड वी आर स्टडी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू सी सम मिसलिनियस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक alright, we have covered uh, the concepts of continuity as well as differentiability in previous lectures. so let us see some different kind of problems based on this. okay, f of x is a continuous function which assumes only rational values. if f of root 2 is equal to 3.5, then find the value of f of pi plus f of e. now, this is a very logical question. this solving solving karna hardly kuch. Hai. एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो सिर्फ रैशनल वैल्यूज लेता है मतलब उसके आउटपुट में यानी कि उसका रिजल्ट फंक्शन का वैल्यू जो है वो सिर्फ रैशनल वैल्यूज आता है अब ये कैसे हो सकता है अगर वो कंटिन्यूस है अगर वो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फंक्शन अगर होगा तो उसका ग्राफ कैसे होना चाहिए उसका ग्राफ ऐसे होना चाहिए है ना मतलब बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए अब अफकोर्स इसमें तो इेशनल वैल्यूज भी आएगी इसमें तो इेशनल वैल्यूज भी आएगी तो ऐसे कैसे बोल सकता है वो कि वो कंटिन्यूस भी है लेकिन सिर्फ और सिर्फ रैशनल वैल्यूज दे रहा है अच्छा एक एक सिचुएशन में वो ऐसा हो सकता है कब पता है अगर उसका ग्राफ जो होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और ये वाली लाइन की अगर वैल्यू जो है वो एक रैशनल नंबर है कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है वो फिर वो कोई भी रैशनल नंबर हो सकती है ये एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस से पैरल है एक स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरल होती है ये ग्राफ होता है एक कॉन्स्टेंट फंक्शन का यानी कि ऐसे सिचुएशन में फंक्शन की वैल्यू सेम ही होती है हमेशा आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो मतलब यहाँ पर अगर एक्स इज इक्वल टू रूट टू पर फंक्शन की वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव है तो एक्स इज इक्वल टू पाई पे भी फंक्शन की वैल्यू थ्री पॉइंट फाइव होगी

रूट तो टू पे जो वैल्यू है वही वैल्यू हर जगह होगी तो आपको इसका आंसर आ जाता है सेवन वॉट इट याद रखना अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि सिर्फ रैशनल वैल्यूज लेता है तो वो कॉन्स्टेंट होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्स वन अपॉन ई रेस टू टू माइनस एक्स द होल रेस टू माइनस वन वेन एक्स इज नॉट इक्वल टू टू एंड इट इज इक्वल टू के वन एक्स इज इक्वल टू टू इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट यानी कि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम है तो ट इज द वैल्यू ऑफ के ठीक है फंक्शन का वैल्यू तो यहाँ पे टू है, सिंस इट कंटिन्यूस, आई कैन से दैट एफ ऑफ़ टू लिमिट, एक्सटेंडिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ टू की वैल्यू क्यू है अच्छा लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स गाइज कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो सिमिलरली एक्सटेंडिंग टू टू माइनस जो है वो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो में पिछले ऑलरेडी देखा है थीके? तो इससे क्या हो जाएगा आपका जो फंक्शन है आपकी लिमिट जो है होल स्क् प्लस वन अपॉन ई रेस टू टू माइनस टू प्लस एच द होल रेस टू माइनस वन जस्ट फुट एच इज इक्वल टू जीरो ना हो गया इच इज इक्वल टू जीरो डालोगे तो क्या आएगा टू प्लस जीरो द होल स्क्वायर प्लस ई रेस टू वन अपॉइन माइनस जीरो ना गाइस जीरो होता है एनीथिंग रेस टू माइनस इंफिनिटी जीरो होता है तो आपको क्या मिल रहा है फोर स्क्वायर प्लस जीरो द होल रेस टू सॉरी नॉट फोर स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस जीरो द होल रेस टू माइनस वन यू आर गेटिंग टू स्क्वायर प्लस जीरो द होल होल्ड टू माइनस वन यू आर गेटिंग विच यू द आंसर वन बाय फोर ठीक है गॉट इट यस ऑल राइट ग्रेट लेट्स नोट दिस डाउन शैल बी या चलो आगे बढ़ते हैं आपने नोट कर लिया होगा तो F is a continuous इज अ the फंक्शन ऑन द रियल satisfies एंड इट equation दिस have इक्वेशन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 3 ऑफ रूट bracket missing मिसिंग एफ ऑफ रूट थ्री की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है ठीक है चलो ये थोड़ा अलग टाइप का है इज़ी बहुत है कंफ्यूजिंग बस इतना है कि भाई इसमें करना क्या है सबसे पहले तो इसमें हम एफ ओफ एक्स निकालते हैं एफ ओफ एक्स निकालते हैं ये ब्रैकेट ओपन करो आपको क्या मिलने वाला है आपको मिलने वाला है एक्सक्वायर प्लस एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस रूट थ्री टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस टू रूट थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे तो आपके पास एक्स माइनस रूट थ्री बचेगा एंड एवरीथिंग एल्स सेंड टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन सो यू आर गोइंग टू गेट थ्री माइनस टू रूट थ्री माइनस एक्स स्क्वायर करेक्ट and yeah there's a plus 2x also i forgot that so what will you get f of x f of x you will get minus x square plus 2x plus 3 minus 2 root 3 upon x minus root 3 clearly you are not going to get f of root 3 from here because it will give you the answer indeterminate so here an option may अरे लेकिन अगर उसने आपको बोला है कि इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इफ इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन देन एफ ऑफ रूट थ्री इसका लिमिट हो जाएगा एफ ऑफ रूट थ्री इसके लिमिट के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना कंटिन्यूअस बोला है ना कुछ तो यूज करना पड़ेगा उसका ये अगर हो जाता है तो इज दिस ऑफ द फॉर्म जीरो अपॉन जीरो नाउ यस इट इज चेक करो जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म का है तो जीरो अपॉन जीरो के फॉर्म का अगर है तो उससे हमें क्या फायदा होगा हमें यह फायदा होगा कि अब वहां पे हम लगा सकेंगे मतलब दो नीचे और ऊपर ऊपर डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा माइनस टू तो एक्स स्क्स टू आगे तो कांस्टेंट से जीरो नीचे एक्स का डेरिवेटिव वन एंड माइनस तो रूट थ्री का डेरिवेटिव जीरो डाल दो माइनस टू तो, सॉरी एक्स का वैल्यू इसमें डाल दो रूट थ्री उसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको मिलेगा माइनस टू इन थ्री प्लस टू विच इज माइनस सिक्स प्लस टू जो कि आपको ओ एक्सट्रीमली सॉरी इट इज नॉट गोइंग टू बी माइनस टू एक्स स्क्वायर इट्स गोइंग टू बी माइनस टू एक्स डेरिवेटिव निकालना है वहां पर ओके माइनस टू एक्स प्लस टू यूर गेटिंग माइनस टू एक्स प्लस टू में अगर आपने वैल्यू डाल दी तो आपको मिलेगा माइनस टू रूट थ्री प्लस टू इज इट देयर समवेयर इफ यू टेक टू कॉमन यू विल गेट वन माइनस रूट थ्री जो कि है आपके ऑप्शन में आंसर सी ऑप्शन सी गॉट इट यस तो थोड़ा लॉजिक लगाना था बस इसमें कि अगर कंटिन्यूस है मतलब लिमिट और फंक्शन जो है वो इक्वल हो गया तो फंक्शन निकालना है यानी कि लिमिट निकालना है ठीक है ऑसम awesome, गाइस नेक्स्ट देखते हैं साथ में लिख देना दोनों फॉर एवरी इंटीजर एन लेट ए एन एंड बी एन बी टू रियल नंबर्स इफ एफ इज अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज गिवन देन यू हैव टू चेक इफ एफ इज कंटिन्यूस देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज फॉल्स ठीक है ए एन प्लस साइन पाई एक्स बी एन प्लस ये है टू एन से टू और ये है टू से टू एन तो चलो कंटिन्यूस है तो एक्स इज इक्वल टू टू एन पे दोनों लिमिट्स जो है वो सेम हो जाएंगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एन माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एन प्लस एफ ऑफ एक्स है ना टू एन माइनस पे लिमिट क्या होगी इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एन बी एन प्लस कॉस पाई एक्स और राइट right साइड पे इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू एन एन प्लस साइन पा एक्स एक्स का वैल्यू टू एन डाल दो आपको क्या मिलेगा यू विल गेट बी एन प्लस कॉस ऑफ टू एन इक्वल टू ए एन प्लस साइन ऑफ टू एन पाए कॉस टू एन मतलब टू पाई का इवन मल्टीपल टू पाई का इवन मल्टीपल जो है वो वन होता है साइन टू पाए मतलब साइन टू पाए का इवन मल्टीपल हमेशा जीरो होता है तो आपको मिल रहा है ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू वन फॉल्स चीज पूछिए ऑप्शन सी टिक करके मत आ जाना ठीक है फॉल्स चीज पूछिए इट इज नॉट गोइंग टू बी ऑप्शन सी फॉल्स स्टेटमेंट इसमें क्या हो जाएगा अच्छा ए एन माइनस बी एन वन है मतलब क्या एन की कोई भी इंटीजर वैल्यू के लिए ए फॉर एग्जाम्पल ए वन माइनस बी वन ले लो ए टू माइनस बी टू ले लो ए थ्री माइनस बी थ्री ले लो अब अगर मैंने एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया तो भी चलेगा एन को एन माइनस वन से रिप्लेस किया तो भी मुझे सेम आना चाहिए है ना मतलब कि ए एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस वन ऑल्सो शुड गिव मी वन मतलब तो गलत तो भी हो गया ना क्योंकि उधर उसका वैल्यू उन्होंने उन जीरो दिया उसका वैल्यू उन्होंने जीरो दिया बाकी सारी चीजें आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है ठीक है बस कंफ्यूज मत होना ऑप्शन सी मत करना उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है ठीक है गड़बड़ नहीं करना है और राइट Awesome guys, note both of these questions and then we can move to the next one. Okay, let's move This is very simple. These type of questions come and they are very easy. f of x is differentiable at x is equal to a then you have to find this limit. What is this limit? This limit is limit x tends to a x square f of a माइनस ए स्क्वायर एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए ये तो जीरो अपॉइंट जीरो है जीरो अपॉइंट जीरो है तो आपको क्या करना है आपको क्या करना है आपको एलोपित लगाना है एक चीज का सिर्फ ध्यान रखो एक्स ए को अगर अप्रोच कर रहा है तो ए यहाँ पर कॉन्स्टेंट हो जाएगा बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है और एलोपित लगाना है तो आपको क्या मिलेगा एफ ऑफ ए इज अ कॉन्स्टेंट एक्स एज इट इज रहेगा आपको एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज अस्टेंट डोन्ट राइट इट एज टू ए प्लीज डोंट डू दैट माइनस ए स्क्वायर यू आर गेटिंग एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन नीचे तो एक्स माइनस ए यानी कि वन आ जाएगा कुछ नहीं डाल दो एक्स का वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर टाइम्स एफ डैश ऑफ एज दिसर इन दर इट इज आंसर सी वॉट इज दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल या ग्रेट गाइज वेरी गुड्स मूव अहड चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाला भी वैसा ही है ओनली थिंग इज यहां पर एफ डबल डैश ऑफ आपको फाइंड करना है ठीक है ये लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है और एफ डबल डैश तक आपको जाना पड़ेगा यहां पर ठीक है चलो लेट्स सी द लिमिट गिवन टू अस इज टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस थ्री टाइम्स एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ फोर एक्स डिवाइडेड x एक्स स्क्वायर लेट्स डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा टू ऑफ जीरो माइनस थ्री इन टू एफ डैश ऑफ टू एक्स तो आएगा ही साथ साथ में डू नॉट फॉरगेट टू मल्टीप्लाई बाय द को डिवाइडेड बाई टू एक्स जीरो पॉइंट जीरो देखो हटा नहीं है इसीलिए आपको फिर से निकालना पड़ेगा ओके मिस्टेक आई मेड टू बी एफ डैश ऑफ एक्स दिस बी एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस देयर एक और बार एक्स काफ डबल डैश ऑफ टू एक्स प्लस फोर इज ऑलरेडी देयर एक और फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ फोर एक्स डिड बाई अब क्या करना है हो गया जीरो हट गया डिनोमिनेटर से एक्स का वैल्यू जीरो डाल दो लिमिट सॉरी एक्स का वैल्यू जीरो डालोगे तो लिमिट तो हट जाएगा भाई हटा दो टू टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ जीरो माइनस ट्वेल्व टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ जीरो प्लस सिक्सटीन टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ जीरो व्हिच इज के एफ डबल डैश ऑफ जीरो आपको के बोला है टू के माइनस माइनस ट्वेल्व इज फोर फोर छोटा मिस्टेक हो गया ओह oh, हाँ हमने डिवाइड बाय टू तो किया ही नहीं यहाँ पे छोटा मिस्टेक हो गया हमने डिवाइड बाय टू किया ही नहीं डिवाइड बाय टू कर दो ओके या सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज फोर फोर प्लस टू इज सिक्स सिक्स के बाय टू गिव दंसर थ्री के दैट इज ऑप्शन सी देखा सिंपल है ना वेरी इजी

एफ ऑफ एक्स की इक्वल होना चाहिए है ना जीरो बोली है एफ ऑफ एक्स जीरो है जब एक्स की वैल्यू जीरो है यहां पर ना अगर मुझे एल ओपित लगाना है तो मैं क्या करूंगी मैं इसको एक्सरेस टू पी को नीचे लेके जाऊंगी तो वो वह एक्सरेस टू माइनस पी बन जाएगा अब देखो ये इन्फिनिटी अपॉन ऑन फॉर्म का हो गया ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म का हो गया इसको इधर लिख लो आप अगर एल ओपित लगाओगे यहाँ पे तो सबसे पहले कॉस ऑफ वन बाय का आपको डेरिवेटिव मिलेगा माइनस साइन ऑफ वन बाय फिर अंदर जाके जब आप वन बाय का डेरिवेटिव लोगे आपको मिलेगा माइनस वन स्क्वायर ये क्या होगा ये हो जाएगा माइनस पी इन टू एक्स रेस टू माइनस पी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो बोला है माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपके पास क्या बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय पी इंटू एक्स रेस टू माइनस पी माइनस वन प्लस टू कहाँ से आया वो एक्स स्क्वायर का है वो अच्छा माइनस माइनस कैंसिल नहीं हुआ बिकॉज तीन माइनस है तो एक माइनस बच जाएगा ठीक है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो व्हाट आर वी गेटिंग नाउ वी आर गेटिंग माइनस साइन ऑफ वन बाय एक्स डिवाइडेड बाय पी इंटू एक्स रेस टू माइनस पी प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो दिस अप

इस पे लिमिट निकालने बोला एक्सटेंड्स टू तो जीरो का तो ये जीरो आएगा लेकिन अगर मैं आपको एक्सटेंड्स टू तो जीरो का लिमिट एक्स रेस टू माइनस टू पे बोलती हूँ तो ये तो भाई वन अपॉन एक्स स्क्वायर की इक्विवेलेंट है ना भाई इसका थोड़ी ना जीरो आएगा ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा क्या फर्क है इसमें और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है मतलब एक्स का पावर जीरो तब होगा अगर एक्स का कोई भी पावर जीरो तब होगा अगर आपके एक्सपोनेंट में जो है पॉजिटिव नंबर है आपके एक्सपोनेंट में होना चाहिए पॉजिटिव नंबर मतलब कि पी माइनस वन जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए यानी कि आपका पी जो है वो वन से बड़ा होना चाहिए पी वन से अगर बड़ा होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा तब जाके डिफ्रेंशियबल होगा वो होगा कि नहीं बाद में बट इतना तो कंपल्सरीली आपको चाहिए ही ठीक है ग्रेट गुड क्वेश्चन लिख लो चलो आगे बढ़ता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉग ऑफ कॉस रेस टू एम एक्स माइनस वन एक्स जीरो करता है एम और एन दो integers are such that M is not equal to सच and एम इज नॉट इक्वल टू then यू हैव टू एंड से कौन सा ऑप्शनली एम और एन की आपको वैल्यू फाइंड करनी है ओके okay, सबसे पहली चीज ये आपको बोला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस जी ऑफ एक्स जो वो P है वो पी के इक्वल है बट पी क्या है पी इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ये मॉड ऑफ एक्स माइनस वन को अगर मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया तो क्या मिलेगा इट विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वन कब जब एक्स वन से बड़ा होगा एंड इट विल बी वन माइनस एक्स वन एक्स लेस देन वन डेरिवेटिव अगर इसका आप निकालना चाहो तो आपको मिलेगा वन और माइनस वन मतलब लेस देन वन पे आपको माइनस वन मिल रहा है यानी कि आपकी पी की जो वैल्यू है वो माइनस वन है तो अब मैं लिख सकती हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन जी ऑफ एक्स वन प्लस की वहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज कुछ मॉड जैसा कुछ है नहीं उधर है ना तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एक्स माइनस वन रेस एक चीज कर देना इसकी वैल्यू माइनस वन की इक्वल होगी एक चीज सिर्फ करो ये जो कॉज के पावर में है मैं टोपी से हटा के उसको नीचे रख दो तो आपका कंपोजिट जब आप डेरिवेटिव निकालोगे एक स्टेप आपका बच जाएगा ठीक है अब ये मेरा जीरो जीरो फॉर्म का है

वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन अंदर जाओगे कॉस एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव लोगे आपको मिलेगा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वन गिव्स यू माइनस वन ये जो माइनस माइनस है उनको हम कर देंगे कैंसल ठीक है साइन अपॉन कॉस क्या होता है टैन तो आपको क्या मिल रहा है आपको मिल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन एन इंटू एक्स माइनस वन रेस टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एम इन टू टैन ऑफ एक्स माइनस वन अच्छा क्या चाहिए टैन के नीचे क्या चाहिए होता, होता है tan एक्स अगर है तो लिमिट में उसके नीचे तो हमें एक्स माइनस वन लगेगा मतलब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो एक्स माइनस वन से तो ऊपर क्या आएगा ऊपर आएगा एक्स माइनस वन रेस टू एन माइनस टू और नीचे आ जाएगा टैन ऑफ एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन अब यहां ध्यान देना बहुत ध्यान देना लिमिट जब ये बटेगा ये जब लिमिट बटेगा एक लिमिट इसको जाएगा आपको इसका आंसर वन आएगा ठीक है जब एक्स टेंस टू एन एक्सटेंस टू वन है वो सॉरी इट्स नॉट एक्सटेंड टू सॉरीफ्यूजन हो जाएगा अच्छे से वन लिख लेते हैं जब ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन ऊपर जाएगा एक्स माइनस वन के साथ तो आपको जीरो देगा नीचे वन आ रहा है ऊपर जीरो आ रहा है बट आपका आंसर तो वन है आपका आंसर तो वन है मतलब यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए यहाँ पे जीरो नहीं आना चाहिए बट एक्स जो है वो वन की इक्वल नहीं है वो वन को सिर्फ अप्रोच कर रहा है वो वन को सिर्फ अप्रोच कर रहा है और आपको एक चीज मालूम है कि कोई भी नंबर को अगर आप जीरो से रेस कर दो जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर को अगर आप जीरो से रेस कर दोगे आपको आंसर दोन आएगा आपको आंसर वन आएगा मतलब ये वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है उसकी बहुत क्लोज है बट जीरो की इक्वल नहीं है बट अगर ये वाला वैल्यू एन माइनस टू का वैल्यू अगर जीरो बन जाता है तो आपके पावर में जीरो आने की वजह से आपका आंसर वन आ जाएगा मतलब आपको क्या करना है आपको पावर को जीरो बनाना है पावर जीरो कब बनेगा जब एन की वैल्यू टू होगी इन दैट केस दिस विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू वन मतलब आपके पास बचेगा एन अपॉन एम इज इक्वल टू वन एन की वैल्यू यहां से आपको आ रही है टू तो टू अपॉन एम आपको वन आता है मतलब एम की वैल्यू भी आपको क्या मिल गई टू मतलब आपको क्या चाहिए एन और एम दोनों भी टू के इक्वल होना चाहिए समझ में आया क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन आई आई टी में आया है कोई 2000s में अच्छा क्वेश्चन है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बस थोड़ा आपको पेशेंटली सॉल्व करके क्वेश्चन को ब्रेक करना है कि करके बस दैट्स इट ठीक है ग्रेट लिख लो इसको चलो नेक्स्ट करते हैं आपने लिख लिया होगा पॉज करके तो या ग्रेट ओके एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स And limit extending to 0, f of x upon x is given to you as 2. Then you have to find the value of f dash of 1. This function hai, f of x plus f of y is equal to f of x plus y upon f of 1 minus xy. Doesn't it look like tan inverse x? Tan inverse of x plus tan inverse of y is this formula. Hota na. बस एक चीज आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा बिकॉज कॉन्स्टेंट कॉमन आके भी यही आता है यानी कि यहां पर हम हमारे एफ ऑफ एक्स को अज्यूम कर लेंगे के टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स तो आपका काम हो गया आपका काम हो गया क्योंकि आपको अभी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो के टाइम्स टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू दिया है टू Tan of x upon x का जो लिमिट होता, होता, होता है मतलब आपको यहाँ से वैल्यू मिल गई टू मतलब आपका फंक्शन क्या आ गया आपका फंक्शन आ गया टू टाइम्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स इसका आपको निकालना है एफ डैश ऑफ वन आप डेरिवेटिव फाइन करो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपको चाहिए एफ डैश ऑफ वन यू विल गेट टू अपॉन वन प्लस वन विच इज टू बाई टू डन ठीक है बहुत आप प्रॉपर्टी यूज करके फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके भी कर सकते हो बट ऐसा करने से एज यू कैन सी कि ये काफी आसान हो गया ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीज ऑफ फंक्शन ऑफ के स्क्र वेर के इज द पॉइंट वेर दिस इज नॉट डिफरेंशियबल ठीक है अब ये ना ये जो नीचे जो इन्फिनिटी तक जो लॉग मल्टीप्लाय है उनको हम एक सेपरेट फंक्शन ले लेते हैं लॉग एक्स

तो log x की जो वैल्यू है इन दिस केस वन से छोटी होगी कोई भी नंबर जो वन से छोटा होता है उसको अगर आप इन टाइम्स मल्टीप्लाई करते जाते हो उसका पावर हाईअर पावर्स लेते जाते हो लेते जाते हो लेते जाते हो तो वो छोटा 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 हो जाता है इवेंचुअली इतना छोटा हो जाता है कि आप उसको जीरो लिख सकते हो एक्स लेस देन ई एक्स इज इक्वल टू ई ले लिया है मैंने मुझे एक्स ग्रेटर देन ई लेना है एक्स ग्रेटर देन ई में आपको आंसर इन्फिनिटी आएगा बिकॉज आपने कोई लॉग टू ले लिया फॉर एग्जाम्पल लॉक टू अगर ले लिया तो आपको बहुत बड़ा 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 बड़ा, बड़ा नंबर मिलेगा लॉक नॉट टू सॉरी टू तो ई से छोटा होता है टू uh, से बड़ा कोई ई से बड़ा कोई भी नंबर अगर आपने ले लिया तो आपको मतलब थ्री ले लिया फॉर एग्जाम्पल बिकॉज वन से थ्री के बीच में बोला ना ना तो लॉक थ्री लॉक थ्री लॉक थ्री इट विल बिकम बिगर 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 इवेंचुअली इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका आंसर इन्फिनिटी बन जाएगा मतलब कैन आई से दैट योर जियो फेक्स इज नॉट गोइंग टू बी कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल हियर उसी उसी से बना है, उसी से बना बना है है मतलब X भी X e पे नहीं होगा मतलब आपका के का वैल्यू तो ई e है आपको उसका स्क्वायर करके उसका जिफ निकालना है ई e का वैल्यू टू पॉइंट सेवन वन होता है उसका अगर स्क्वायर करोगे नाइन पॉइंट समथिंग के रेंज में आपको आता है नाइन पॉइंट समथिंग का अगर आपने जिफ निकाल लिया तो आपको आंसर मिलेगा नाइन ठीक है सॉरी नाइन पॉइंट समथिंग नहीं के का ई uh, e का वैल्यू टू पॉइंट सेवन वन होता है नाइन से ऊपर कैसे जाएगा इट विल बी समवेयर बिटवीन सेवन एंड एट इट विल बी समवेयर बिटवीन सेवन एंड एट मतलब सेवन पॉइंट समथिंग होगा यानी कि उसका जब फिर आपका सेवन बन जाएगा ठीक है तो चलो नोट कर लो ये दोनों क्वेश्चन क्विकली सो दैट वी कैन मूव ऑन ये सेवन है ओके okay? सेवन चलो आगे बढ़ते हैं.

वो तो हर जगह कंटिन्यूस है हर जगह डिफ्रेंशेबल है है ना मतलब आपका ऑप्शन बी जो है वो तो गलत हो गया रेंज उसका सिर्फ माइनस वन आ रहा है माइनस रेंज मतलब क्या फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन से वन के बीच में नहीं तो ये भी ऑप्शन गलत है अगर वो कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाय टू हर जगह पे कंटिन्यूस है वो ठीक है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओनली मतलब दोनों का वैल्यू माइनस वन होना चाहिए तो ये गलत हो गया इजी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बताना चाहिए इसमें ज्यादा कंटिन्यूटी वगैरह का तो कंसेप्ट भी नहीं था ओके आई होप यू गेट इट ऑल राइट लिख लो एंड नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन ये एलोपित जैसा जो हमने किए है दो क्वेश्चंस किए हैं इस टाइप के लेट मी नो दिस आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे वी डिड कपल ऑफ वेरी गुड क्वेश्चन टूडे और राइट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लेट मी नो द आंसर फॉर दिस एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज गेट बैक टू मी आई बी हैपी टू हेल्प यू विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून अंटिल देन बाय बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू